ये तो उनके स्वभाव में है और नेचर और सिग्नेचर तो बदलता नहीं है चाहे वो कोई भी जमाना हो। तो ये तो शुरू से उनका नेचर है, बाहुबलियों को टिकट देना, बाहुबलियों को, अपराधियों को संरक्षण देना, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना और उसके बाद कहना कि हम पर लोग अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी वो खड़े हो ना हो, समर्थन दें नहीं दें, NDA जो है हमारा बिहार में 40 की 40 सीट जीतेगी, चाहे उसमें कितना भी ये लोग तिक्रम लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लालू जी किसी भी यादव को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं कि लालू जी से कंसेंट लेके, लालू जी से मिलकर और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया। फिर भी लालू जी ये नहीं कहे, जबकि उसके पहले बीमा भारती को टिकट दे दिया गया, तो ये सरासर धोखा है। पहले भी उन्होंने धोखा दिया, आज भी उन्होंने धोखा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR और मैं हूँ आपके साथ खुशी से। देखिए, मुन्ना शुक्ला का अभी जो कमेंट आया है, RJD आवाज पे वो पहुंचे और उन्होंने ये कहा है कि हम घुमियार हैं, चमार थोड़ी हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है BJP की मुख्य प्रवक्ता सुहेली मेहता से। पूछते हैं कि इनका इस विषय पे क्या कहना है। देखिए, मुन्ना शुक्ला जी बहुत दिन से सोए हुए थे पॉलिटिकली, तो अचानक फिर से उनको टिकट मिला है तो वो आकर बस एक बयान देकर और अपनी जो मनोवृत्ति है, उनकी जो प्रवृत्ति है, जो सामंतवादी सोच है, उसका परिचय उन्होंने दिया है। और जो लालू जी दम्भ भरते हैं, लालू जी, तेजस्वी जी, जो उनके पूरा परिवार तो नेता ही है, सभी लोग दम्भ भरते हैं कि हम गरीब दलित पिछड़ों के नेता हैं, तो उन्हें सबसे पहले मुन्ना शुक्ला जी के इस वक्तव्य पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। चुनाव का समय है और जिस तरह से वो एक जाति विशेष पर और वर्ग विशेष पर जिस तरह का कमेंट उन्होंने किया है, ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो हम करते हैं, भारतीय, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पर करती है भर्त्सना। क्या बोलिएगा, लालू यादव जो है बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं। तो ये तो शुरू से उनका नेचर है, बाहुबलियों को टिकट देना, बाहुबलियों को, अपराधियों को संरक्षण देना, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना और उसके बाद कहना कि हम पर लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो ये तो उनके स्वभाव में है और नेचर और सिग्नेचर तो बदलता नहीं है चाहे वो कोई भी जमाना हो। मतलब ये उनके स्वभाव में है। बिल्कुल उनके स्वभाव में है। और आप जिस तरह से जिस नेता का जो बयान आया है तो इसका भी समर्थन ही करेंगे, क्योंकि उनके समय में जो नरसंहार हुए थे बिहार में, उसमें भी 44 में से 24 जो है दलित ही थे, लेकिन उस पर लालू जी कभी कुछ बोले नहीं थे। इसलिए ये कहना कि हम दलित के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं और हम इन्हीं लोग के कल्याण के लिए अपना जो लीडरशिप है वो हम आगे रखे हुए हैं, तो ये तो निश्चित रूप से बिल्कुल बेमानी इसी बात है उनके लिए। मैं एक आखिरी सवाल करूंगी आपसे। नवादा से कुशवाहा को टिकट दिए हैं लालू जी, लेकिन इस लालू के जो विधायक हैं वो निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें क्या बोलिएगा कि वो अपने बेटे का खुद ही सपना तोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, तेजस्वी यादव। अब वहाँ का क्या समीकरण है कि ये जिनको टिकट दिए हैं वहाँ के विधायक का अपना स्वाभाविक सी बात है, जिसको अपना लगता है कि यहाँ पर उनको जिताएंगे तो मेरा ये कमज़ोर हो जाएगा, मेरा वजूद कम हो जाएगा, तो चुनाव में बहुत तरह के समीकरण चलते रहते हैं। उस स्थिति में कर रहे होंगे, हम पूरी तरह वहाँ के समीकरण को ठीक से जान नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे भी वो खड़े हो ना हो, समर्थन दें नहीं दें, NDA जो है हमारा बिहार में 40 की 40 सीट जीतेगी, चाहे उसमें कितना भी ये लोग तिक्रम लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक आखिरी सवाल, पप्पू यादव जी को लेकर क्या कहेंगे, उनके साथ जो हुआ, बीमा भारती को टिकट दे दिया गया पुनिया से, उनके बारे में यही कहेंगे कि लालू जी किसी भी यादव को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। आपको याद होगा कि पप्पू जी जब पार्टी छोड़े थे राष्ट्रीय जनता दल, उस समय लालू जी के बाद पप्पू यादव को ही लोग नेता समझता था, यादव का, और वो जो लालू जी की विरासत है उनको ये उम्मीद थी कि ये विरासत हमें मिलेगी, जैसा कि उन्होंने मीडिया में अपने बयान में कहा था। और उन्होंने कहा था कि जिस बच्चे को मैंने गोद में खिलाया है उसका नेतृत्व मैं कैसे स्वीकार करूँगा। उस समय लालू जी अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे, तो उसी समय पप्पू यादव जी को लालू जी छोड़ दिए थे,
उसके बाद अपना इनका जो है अपना पार्टी बनाए, जो भी इतिहास भूगोल सब लोग जान रहा है। उसके बाद आज अगर कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया है, अपनी पार्टी को भी लग किया, उसके पहले भी आपने देखा होगा कि लालू जी से कंसेंट लेके, लालू जी से मिलकर, और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया। फिर भी लालू जी ये नहीं कहे, जबकि उसके पहले बीमा भारती को टिकट दे दिया गया। तो ये सरासर धोखा है, पहले भी उन्होंने धोखा दिया, आज भी उन्होंने धोखा दिया। अच्छा मैम, आप एक महिला हैं, अभी शुक्रिया श्रीनेत का कमेंट आया है, कंगना रिनोट पे आया था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमारा पुरुषवादी समाज है, भारतीय समाज जो है, अगर एक महिला दूसरे महिला की इज्जत नहीं करेगी, अगर वो सम्मान नहीं करेगी, तो कैसे हम इस चीज़ को चैलेंज करेंगे, कैसे सोसाइटी में कहेंगे कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो बाद बाकी उनका जो हो, लेकिन सुप्रिया जी को ये कतई नहीं, कंगना रनावत के बारे में, कंगना रनावत एक अदाकारा है और सिनेमा और फिल्म की दुनिया में अपना जो एक्टिंग करना होता है करता है, लेकिन वो एक भारतीय जनता पार्टी की कट्टर समर्थक रही हैं। कंगना रनावत के की फिल्में हम लोग बहुत देखे हैं, सोसाइटी में जो होता है उसको उन्होंने, इसलिए मैं तो फैन हूँ कंगना रनावत की। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने इस तरह की घटिया बातें करके, और बाद में माफ़ी भी मांग रही है जब उनको एहसास हुआ होगा कि हमने कुछ ज़्यादा गलत कर दिया। तो किसी भी महिला को दूसरी महिला का सम्मान करना चाहिए, चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे कहीं आप किसी भी पार्टी की हैं, तभी ये समाज महिलाओं को हर कदम पर स्वीकारेगा और उसे उसका अधिकार मिलेगा।